हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाति आर्या। रक्षाबंधन का त्यौहार है और मैं मायके में हूँ, तो मैं मायके से ही बना रही हूँ अपना वीडियो। मम्मी और मैंने बनाया है मावा बर्फ़ी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मावा बर्फ़ी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए मैंने एक मोटे तेल की कढ़ाई ली है, इसमें हम डाल देंगे मावा। ये मावा मार्केट का मावा है, तो ये डाल देंगे कढ़ाई में, इस तरह से डाल देंगे। अब इसे अच्छे से सेकना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और कंटिन्यू इसे चलाते हुए सेकेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन दूर हो जाएगा। इसे मैंने 5 से 6 मिनट तक सेका है इसे। आप देख सकते हैं मावा कितना अच्छा हो गया है, मावा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और आप देख सकते हैं मावा ने जो है वो कढ़ाई को छोड़ दिया है, इसका मतलब है मावा अच्छे से सिक चुका है। और कुछ मावा हम निकाल लेंगे। यदि आपके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है या फिर जो मीठा खाना कम पसंद करते हैं, तो इस तरह से मावा आप निकाल सकते हैं। इसमें आप शुगर फ्री डालकर उन्हें दे सकते हैं। तो ये थे मावा निकाल लिया है मैंने और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। देखिए मावा अच्छे से सिक गया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं चीनी जो है मेल्ट हो गई है। इसे अच्छे से पकाएंगे, जैसे हलवाई करते ना ऐसे ही करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मावा हो गया है, मावा हल्का हो गया है, फ्लफी हो गया है मावा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, ये देखिए आप। इसे मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी काजू। ये काजू है, इसे ब्लेंडिंग जार में अच्छे से पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे और ये डालेंगे इसमें। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसका, काजू का। तो काजू का डालेंगे पाउडर इसमें, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। जब भी हम मीठा बनाते हैं तो उसमें इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, तो उसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें डाल रहे हैं नारियल का बूरा है ये, तो एक साथ नहीं डालना है हमको, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे। और चलाएंगे इसे। तो मैंने बाकी का भी डाल दिया नारियल का बूरा। अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा करेंगे थोड़ा सा, हम ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, तो इसे हम फैला फैला के ठंडा करेंगे। तो ठंडा कर लिया है इसे। और मैंने पहले से ही तैयार की हुई थाली, उसमें मैंने घी से अच्छे से इसे लगा लिया है और डाल देंगे ये। अब इसे लेवल में करेंगे हम,
अच्छे सब तरफ फैलाना है आपको, जिससे जो मिठाई है वो एकदम लेवल की बनेगी, बराबर बनेगी। तो अच्छे से इसे फैलाना है और इसे हम एक दो बार टैप भी करेंगे, जिससे ये हर तरफ इक्वल साइज हो जाएगी ये। तो इसे हम टैप करेंगे एक दो बार। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं बादाम, आपकी पसंद के आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए। इसे सेट करेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए सेट करना है इसे। और इसे मैंने कट कर लिया है, अब मम्मी है जो इसको किनारों को अलग कर रही है। तो ये मिठाई मम्मी और हम दोनों ने मिलके बनाई है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिठाई बनी है मावे की। बहुत जल्दी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम कट कर लेंगे, आपके पसंद का आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें। तो मम्मी ने डायमंड शेप दिया है इसमें, और ये देखिए आप कितनी बढ़िया मिठाई बनी है मावा की। और इसे हम निकाल लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है मावा बर्फी, जिसे हम खोपरा पाक भी कहते हैं। तो इस रक्षाबंधन पर हम लोगों ने बनाई है मावा बर्फी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।